हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स सेकेंड चैप्टर होल नंबर। इसमें सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको जैसे अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में हमने सॉल्व भी किए थे, कुछ नंबर को हमें 102 के साथ मल्टीप्लाई करना था, फिर हमने इसको क्या किया था कि 100+2 किया था। तो वैसे ही ये इन प्रॉपर्टीज़ के कारण हम ऐसे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें से एक प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ आपको अगर अच्छे से समझनी है तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि ये आगे भी आएंगी। जैसे अभी ये सिक्स क्लास में आ रही है ना, एट्थ क्लास में अभी मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर भी ये वाली प्रॉपर्टी सेम हमारा चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर क्या होता है कि जो दो नंबर है वो होल नंबर है, और फिर इसमें क्या होता है कि ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने दो नंबर ले लिए, सपोज ए नंबर है और दूसरा भी बी होल नंबर है। अब जो इन दोनों का जो सम आएगा या फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी हमारा एक होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, 2 की जगह पे हमने ले लिया 3 प्लस बी की जगह पर ले लिया हमने 4, तो वो हो जाएगा 7। और 7 भी क्या है, एक होल नंबर है। ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होती है पर डिविजन में नहीं होती, क्योंकि अब जैसे देखो ये 2/0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि आप किसी भी होल नंबर को किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हो। बेशक आप 2 को पहले लिख दो, 3 को बाद में, 5 आ गया। बेशक आप 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में, फिर भी 5 ही आएगा। तो मतलब कि आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में करते हैं, 2-3, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो आप अभी आपको आया ही नहीं है इंटीजर्स में, अब इंटीजर्स नहीं ना आते आपको। हम करते हैं इसको 6-7, तो 6-7 कैसे होगा, 7 तो बड़ा नंबर है, पर अगर होगा तो ये -1 होगा। बेशक जब 7-6 होगा तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये वाला भी आप आगे पढ़ेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि ये डिवीजन या फिर ये सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ये नहीं कर सकते कि किसी नंबर को आगे कर लिया और किसी को पीछे कर लिया। हम नंबर को सिर्फ आगे पीछे कब कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में। अब उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी करोगे, कोई नंबर ले लिया a प्लस बी, वो किसके बराबर आएगा, b प्लस a। इन दोनों में भी क्या हुआ है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। जैसे कि a की जगह पर ले लिया 2 प्लस b की जगह पर 3, अब b की जगह पर 3 था, प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 5, यहाँ पर क्या आ गया 5, तो ये दोनों तो सेम हो गए। इसे वो कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये किस किस के अंडर होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के अंदर फॉर होल नंबर्स। अब जैसे कॉम्यूटेटिविटी थी, वैसे ही सेम हमारी एसोसिएटिविटी है। इसमें क्या था कि हमने कॉम्यूटेटिविटी में पढ़ा था ए प्लस बी, बी प्लस ए, ऐसे पढ़ा था। पर अब जो एसोसिएटिविटी है इसमें क्या होगा कि सी भी आ जाएगा। इसमें हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई या फिर प्लस करते हैं, तो ये जब 3 नंबर वाली होती है उसको एसोसिएटिविटी, 2 नंबर वाली कॉम्यूटेटिविटी। अब आगे पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी 2 तरह की होती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है इसमें एडिशन भी हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहती है। तो जो पहले यहाँ पर एग्जांपल दिए ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, पर किसके लिए हो रही है, एडिशन में हो रही है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि बी
जो बी प्लस सी है इसको सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई है, या अगर कोई साइन नहीं है ना फिर भी मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे अगर हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो ए है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी। अब बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस लगाएंगे। अब ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा तो ए इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए बी, ये ऊपर प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऐसी होती है। आपको कुछ क्वेश्चन के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम मतलब उसमें ज़ीरो प्लस करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर वही रहेगा। यहाँ पर ए आना चाहिए, ज़ीरो नहीं, सॉरी माय फॉल्ट। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने ले लिया ए की जगह पर टू, टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू। जब मैं टू में ज़ीरो प्लस कर रही हूँ कोई नंबर चेंज हो रहा है, नहीं तो टू ही रह रहा है। तो इसीलिए क्या होता है अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो प्लस करें तो वो नंबर खुद ही आता है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। और जो ज़ीरो होती है वो हमारी आइडेंटिटी होती है किसके लिए, एडिशन के लिए। अब आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि किसी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो वन वो फिर वो नंबर ही आता है। जैसे ऊपर था कि प्लस करें तो वो नंबर खुद आता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है वो नंबर खुद आता है। जैसे कि टू इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू टू, तो वो किसके बराबर आएगा, टू के बराबर, टू वन ज़ा टू। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज। एंड जैसे फॉर ऊपर वाले के लिए ज़ीरो थी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए वन है आइडेंटिटी। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ओके अब यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। इन क्वेश्चन में अगर आपने दिमाग लगाया तो आंसर हो जाएगा। हमें इन सबको प्लस करना है, पर हम ये नहीं शुरू जाएंगे छोटे बच्चों की तरह पहले ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो प्लस करो। अब आपको सिंपली लाइन से भी आना चाहिए। क्या ये करना है, ईजी है, बड़ा सा बहुत ईजी है, मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको दे दिया हुआ है 56 प्लस 49, कैसे होगा, ये वंस पे ये वंस पे, इनको प्लस करो पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वन कैरी 6 और 10, ये हो जाएगा आंसर। तो लाइन वाला प्लस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें इन सब का सम करना है, तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसके लास्ट में क्या है, 3, इसके लास्ट में क्या है, 7। 3 प्लस 7 कितना होता है, 10 होता है। तो हमने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इनको कहाँ लाएंगे, 0-0 वाले नंबर्स के पास लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको ब्रैकेट में पहले इसको प्लस करेंगे, और जो ब्रैकेट है इसके बाहर किसका साइन लगेगा, प्लस का। अगर कोई साइन नहीं लगाया तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता तो फिर वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, पर आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। अब इसको प्लस करने के बाद हमने देखा कि 1200 आ रहा है। अब 1200 ने हमारा सम को सॉल्व कर लिया, मैं थोड़ी मदद कर दी, हमें इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ज़ीरो वाले नंबर लाने हैं, ये क्वेश्चन उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। पर उससे पहले हम इसका बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है जैसे हमें ये दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा। आपको क्या देखना है कि किसी के लास्ट में अगर टू है तो 8, तो क्या हो गया, 10 बन गया। तो मतलब कि इन दोनों को प्लस करो ब्रैकेट के अंदर। फिर दूसरी बारी आती है 3, ये 3 है तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 होगा तो 10 बनेगा। तो फिर इन दोनों को प्लस करो, ऐसे ऐसे करना है। प्लस करने के बाद ये आ गया, फिर उसके बाद फिर आंसर ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना है। ऐड करना तो फिर भी इजी था, मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अगर हम रूल अप्लाई करें तो ईजी हो जाता है।
हमने इस नंबर को एज इट इज लिखना है। हमने क्या देखना है, जिस नंबर के पीछे जीरो है उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। जैसे टू है, टू को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। अब हमारा आंसर इजी हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर हमने 100 आ गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या करना है, ये नंबर एज इट इज लिखना है, दो यहाँ के 100 की जीरो लगा देना है, हो गया। कितना ईजी है ये। आगे अब चलते हैं, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि 2 को 50 से करेंगे तो 100 आएगा, 4 को 25 से करेंगे तो 100 आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये नंबर है ये 25, ये 4, इसको करते हैं, यहाँ पर 100 आ गया और ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 25, इसको मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया, नंबर आ गया। अगर आप कुछ बस वीडियो देखेंगे, नोट करेंगे, वैसा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको खुद, क्योंकि मैंने तो अभी अभी खुद सॉल्व किया है, तो इसीलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही, मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको। आगे चलते हैं, अब 16 के साथ इसको करेंगे हम, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। अगला पार्ट है ये। अब इसमें आपको पता है कि 100 तो बन नहीं रहा, सिंपली हम अगर नहीं बन रहा तो हमें कोशिश करनी है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर के एंड में हमें जीरो मिले ही मिले, उससे सम इजी हो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं, तो 60 को हम 5 के साथ करेंगे, देन 300 आ जाएगा और विस जस्ट फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करना है, 0 0 दो लगा दिए, इसको भूल जाओ, सिंपली इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 1 कैरी, 3 8 24, 25, 2 कैरी, 3 2 6, 7 8, लास्ट के जो इसके दो जीरो थे वो लगा दो, आंसर आ गया। अब एफ पार्ट, अब एफ पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर को इसके साथ कर सकते हैं, इस वाले को इसके साथ, या फिर हम दोनों को भी अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब जैसे हमने इसको किया तो यहाँ पर आ गया 1000, इसको किया यहाँ पर भी आ गया 1000। अब इसको प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6, और 1 लगा दो, बस हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। जैसे हमने किया था ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो यहाँ पर a क्या है, ये है, क्योंकि ये दो बार आया ना, ये वाला a हो गया, ये हो गया b और ये हो गया c। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम क्या करते थे, अब a को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और अंडर b प्लस सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है तो हम एडिशन ही करेंगे। अब इसको करना शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको कॉमन बाहर ले लिया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, 17 के साथ, ये वाला नंबर 3 के साथ, इनको अंदर ऐड करेंगे। क्यों, यहाँ पर हमें दिया हुआ ना साइन ऐड का, तो ऐड लिख दो। अब इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख दिया और वैसे ही फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब आगे हमें यहाँ पर ये और ये कॉमन दिया हुआ है, वही करना है, 100 आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर आगे आंसर में 200 और है, ये शायद आगे मैंने लिखना भूल दिया, सॉरी। अब आगे हमारे पास ये है और ये है, पर इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है, यहाँ पर माइनस का साइन है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर इसको बाहर ले लो और इनमें से माइनस करो, ये आ जाने का आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ना दिमाग लगाने वाला है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं है ना, इनको किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर को सेम लाना पड़ेगा। तो इस वाले को 5 से कर लो, इस वाले को 25 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये और ये कॉमन हो जाएगा। फिर ये वाला आ गया
और फिर ये और ये, इसको हम प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना या फिर इसकी तरह और क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 100, 103 के साथ हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 और 3 को अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, फिर इनको प्लस करेंगे। अब बी पार्ट, जैसे कि ये है, आप यहाँ पर बीच में एक स्टेप भी लिख सकते हो, हम बड़े हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 100 प्लस 854 × 2, ये भी एक लाइन आप बीच में दिखा सकते हो यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं है पर दिखा सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं, तो इसको हमें पहले इसको तोड़ दिया, 102 को 100 प्लस 2 कर दिया, अब इसको इसके साथ किया तो नंबर लिख दिया और 00 कर दिया, इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब इसको एंड में प्लस कर देना और आंसर आ जाएगा। वैसे कि अब हमने इसको करना है, इसको 1000 किया और इसको 8 किया, करते के बाद हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 105 है तो 1005 है तो 1000 और 5 अलग अलग हुआ और फिर सोल्यूशन आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है कि हमें बताया हुआ है कि पेट्रोल उन्होंने मंडे को फिल किया कार में, फिर नेक्स्ट डे इतना पेट्रोल फिल किया, और फिर बता पूछते हैं कि अगर एक पेट्रोल लीटर की कॉस्ट इतनी है तो फिर टोटल के कितने लोगों को कॉस्ट होंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टोटल जो उन्होंने फिल किया था पेट्रोल वो कितना है, मंडे को इतना किया, नेक्स्ट डे इतना किया, टोटल पेट्रोल फिल इन दोनों का सम करेंगे 90 लीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कॉस्ट इसकी पर लीटर की इतनी है तो 90 लीटर के लिए हम इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरी भी एग्जाम में आया था 6th में, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे 6th क्वेश्चन, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग। अच्छा ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताया हुआ है कि मिल्क को एक बार मॉर्निंग में सप्लाई किया और एक बार इवनिंग में सप्लाई किया, फिर उसके बाद इसमें भी वही है कि पर लीटर जो है मिल्क वो इतना है, तो ढूंढा निकालो बाकियों का कितना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितना सप्लाई किया, मॉर्निंग और इवनिंग का टोटल कितना किया, तो ये हो जाएगा 100 लीटर। अब उसके बाद अगर कॉस्ट 1 लीटर की मिल्क की कितनी है, 15 रुपये, तो 15 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब आगे मैच वाला है, तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट में जो दिया ये क्या है, हमारी कॉम्यूटेटिविटी है इसके ऊपर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एसोसिएटिव में ब्रैकेट्स वगैरह भी होती है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। अब आगे थर्ड वाला, इसमें क्या है, कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, साइंस के अकॉर्डिंग आगे प्रॉपर्टीज करती है। तो आगे यहाँ पर एक्सरसाइज अगली है, नेक्स्ट वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।